हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड और उनसे न्यूज़ से रिलेटेड बातें करेंगे। कुछ शेयरों में क्या हमें एग्जिट करना चाहिए, एंट्री करनी चाहिए, उससे रिलेटेड मैं आपको एक व्यू दे दूंगा अपना और आपको एक अंदाजा लग जाएगा। तो किन 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 शेयर से रिलेटेड बातें हैं, तो देखिए इंडिया बुल्स से रिलेटेड बातें हैं, आरती ड्रग्स से रिलेटेड बातें करने हैं, फाइजर एज वेल एज बात करें तो टाटा मोटर्स से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड बातें करते हैं। बट बिफोर दैट हम वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे इस वीडियो को, एज वेल एज बात करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ कनेक्ट कराएं। और अभी कल की डेट में मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, इसे डेफिनेटली देख लीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन वीडियो बनाई है। एज वेल एज बात करें ऑक्सीजन से रिलेटेड, एक कंपनी का नाम में ऑक्सीजन लगा था और 10,000 का शेयर 25,000 पे पहुंचा था और वहां पर लोग अच्छे खासे फंस गए और लोअर सर्किट लग गया, तो उससे रिलेटेड यहां पर आप देख लीजिएगा। और बात करें यहाँ पर कल के यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे, अगर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। एज वेल एज यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, ओके, आप अपने दान दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो इससे रिलेटेड बातें हो गई, तो आइए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जिस चीज से रिलेटेड बात करते हैं, तो देखिए निफ्टी 50 का अगर हम देखते हैं आज के दिन में लगभग 0.77% लगभग 109 पॉइंट्स की जंप देखी गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, तो एक ही रीजन था, ओके। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो रीज़न इस सिंपल है कि जो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जो शेयर्स थे वो हमें भागते हुए नज़र आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ICICI बैंक अच्छा खासा भागा था, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, SBI, ओके, ICICI प्रूडेंशियल्स जो कि मैंने आपको दो दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, ओके, एज वेल एज बहुत टाइम से वीडियो बनाते आ रहा हूँ 10% का, तो अपर सर्किट इसमें कल परसों की डेट में ही लगा था, अगर बात करें मंगलवार को, SBI लाइफ एज वेल एज एक्सिस बैंक, यहाँ पर आप देख सकते ये सारा का सारा आप महकमा आपको भागता हुआ नजर आया था, जितने फाइनेंस और मोस्टली ये लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी थी। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी क्या, इसके न्यूज क्या है तो आपको बताना चाहता हूं। देखिए ये 7% भागा है, क्या न्यूज थी, तो एक ही न्यूज थी, यहां पर आप देख सकते हैं HDFC लिमिटेड एज वेल एज इंडिया बुल हाउसिंग, इन दोनों ने पार्टनरशिप कर ली है, किससे रिलेटेड, तो यहाँ पर ये लैंडिंग करेंगे हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड, जितने भी ये लैंडिंग होती है तो ये लैंड करते हुए नजर आएंगे, मतलब उधार मतलब बोरिंग देते हुए नजर आएंगे, तो इन दोनों की को पार्टनरशिप की वजह से यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। एज वेल एज अगर बात करें आरती ड्रग्स की, तो आरती ड्रग्स से इनका देखिए बाईबैक टू ओपन शेयर बाईबैक ऑफर ऑन अप्रैल 27, तो 27 अप्रैल को यहाँ पर बाईबैक से रिलेटेड ये ओपन होने वाला है। तो जिन्होंने एक पर्टिकुलर डेट थी जो रिकॉर्ड डेट थी उससे पहले एक्स डेट से पहले अगर खरीदा होगा वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। और प्राइस क्या है, तो 1,000 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कंपनी बाईबैक करेगी। और अगर बात करें यहां पर कितने रुपए का प्राइस चल रहा है, 721-722 रुपीज के आसपास का प्राइस चल रहा है, जो कि अच्छा खासा आपको गेन मिलता हुआ नजर आएगा। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनी है, इसे देख लीजिएगा कि आपने अगर आपने रिकॉर्ड डेट से पहले भी नहीं खरीदा तो आपको बताना चाहता हूं, फिर भी आपका शेयर मुझे जो लगता है 1,000 तक जाएगा, उससे रिलेटेड वीडियो बनाई है, आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आ जाते हैं सबसे मेन न्यूज से रिलेटेड, तो सबसे मेन न्यूज है कि आज की डेट में टाटा मोटर से रिलेटेड थी। अगर हम यहां पर देखते हैं अच्छा खासा शेयर भाग रहा था, इसके बाद बात करें तो लगभग 7-8 रुपये की यहाँ पर डिप देखता हुआ नजर आया और यहाँ पर कंसोलिडेट करने लग गया। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है, तो आपको बताना चाहता हूँ, टाटा मोटर्स जस्ट बिकॉज ऑफ कंडक्टर की कमी के कारण, ओके, अपना जो जगुआर और लैंड रोवर से रिलेटेड जो ये कारें बनाते हैं, दो UK का प्लांट इन्होंने बंद कर दिया, ये न्यूज़ आई और यहाँ पर शेयर क्रैश होता हुआ नजर आया। तो क्या हमें निकल जाना चाहिए क्या, तो आपको बताना चाहता हूँ, निकलने का अगर कोई ऊपर के लेवल पर फंसा हुआ है, ओके, और इसमें देखिए थोड़ी बहुत डिप आ सकती है, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कामें कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेरे को लगता है कि इंडिया में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मार्केट यही कैप्चर करने वाले हैं। और इनका चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है और कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि 3 साल के अंदर अंदर नेट डेट फ्री ये कंपनी को बना देंगे, तो आपको बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिलता है ना, तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए एक बैट के रूप में आप देख सकते हैं। अच्छा
यहाँ से पैसा लगा सकते हैं, बाय ऑन डिप्स करते रहना, SIP मोड पे यहाँ पर पैसा लगाते रहना, तो टाटा मोटर्स आपको अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो मिक्स का मैक्सिमम ये 2018 के लगभग 16 के लगभग 570-80 के लगभग ये शेयर चलता था, अभी काफ़ी डिप में है। ओके, काफ़ी अभी उस लेवल पर नहीं पहुँचा है, बट ये पूरी कैलिबर रखता है इनका, एक बार बोरिंग खत्म हुई तो अच्छा खासा ये भागता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पर आज की डेट में हम देखते हैं तो अच्छे खासे गेन तो इन्होंने इस कंपनी ने अभी भी दिए हैं। अगर बात करें यहाँ पर इसी पीरियड में, कोरोना के पीरियड में 72 रुपये का शेयर 357 रुपीज़ तक गिर जाते हुए दिखा है। लगभग 81,90,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए। कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, और इसके अलावा अगर इसके रिलेटेड और को भी कुछ न्यूज़ दे दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, जैन में 46.41 थी, और उससे पहले ही 46, मार्च में भी 46.41 है, तो अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए थे, एक बार देखना पड़ेगा, वो अभी हम देख लेते हैं आगे चल के। तो यहाँ पर आप देखें तो शेयर 3.95% शेयर गिर भी है, जिसका मतलब है यहाँ पर अच्छी खासी बोरिंग है, लैक्स में यहाँ पर बोरिंग है, लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज़ की बोरिंग है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं टाटा बोरिंग का अलग अलग लोगों ने टारगेट भी दिया है, बट स्टिल कुछ लोगों ने कहा है कि टाटा मोटर से थोड़ा सा दूर रही है, ओके, एंड IT सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे। तो यहाँ पर एक ही न्यूज़ थी कि जब इसका जो जैगवार लैंड रोवर से रिलेटेड जो कारें बनाते हैं, इनका UK का प्लांट इन्होंने बंद करने का निश्चय कर लिया है, तो इसलिए ये शेयर गिरता हुआ नजर आया। इसके लॉन्ग टर्म की बैठ के हिसाब से अच्छा काफ़ी बेहतरीन शेयर है, 10 साल में ये शेयर कहाँ का कहाँ होगा आप खुद देखते रह जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर साफ तौर पर आने वाली है। एज वेल एज अगर दूसरी कंपनी की बात करें फाइजर की, तो फाइजर आपको पता ही है एक दिग्गज शेयर है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन शेयर हमें नजर आता है, और जो कि अप ट्रेंड में ही आपको नजर आएगा। बट आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो ये शेयर काफ़ी अच्छा भागता हुआ हमें स्टार्टिंग में नजर आया। क्यों नजर आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर लगभग 5608 और फिर इसके बाद गिरावट हुई, क्योंकि यहाँ पर फिर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दी जितनी भी वैक्सीन से रिलेटेड। तो इसकी न्यूज़ क्या थी जिसकी वजह से ये शेयर भाग रहा था, और लगभग अगर बात करें 150-200 रुपये ये ऊपर चल रहा था, तो इसके पीछे का सिंपल रीज़न एक ही था कि फाइजर ने भारत में वैक्सीन बनाने के लिए कह दिया है, और कह दिया है कि हम आपको बिना प्रॉफिट के, मतलब जो होता है ना कि प्रिंसिपल अमाउंट जो खर्च हुआ है, बिना मुनाफे के कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे, उसी रेट पर आपको वैक्सीन दे देंगे। तो इससे रिलेटेड अर्जी देती हुई हमें नजर आई है, बट यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी जितने वैक्सीनेशन से रिलेटेड शेयर थे। अगर बात करें एस्ट्राजेनिका 14-15% ऊपर तक गया था, 16-17% तक, और फिर उसके बाद यहाँ पर 10% पे ही रह गया था। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी है, तो इसकी वजह से ये शेयर भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। बट अब मिलता है या नहीं मिलता, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करूँ तो मैक्स ये क्या कहते हैं फाइजर कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। और इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा अगर मैं आपको 6 मंथ का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, तो ये लगभग मार्च में एक महीने पहले 4300 पे चल रहा था, फिर भी ये 1000 रुपीज़ के लगभग ये शेयर भाग चुका है। अगर यहाँ पर हम आज की डेट की डिलीवरीज़ की बात करते हैं, तो लगभग 1,37,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे उठाते हुए हमें नज़र आए हैं। और हम यहाँ पर देखिए इनका रिजल्ट भी आने वाला है बहुत जल्दी, तो रिजल्ट देखेंगे तब। यहाँ पर डिविडेंड देखें तो कंपनी देखिए अच्छा खासा स्पेशल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड, यहाँ पर डिविडेंड के मामले में कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो डिविडेंड देती हुई हमें बार बार नज़र आती है, और बार बार स्पेशल डिविडेंड देती रहती है एज़ पर बिजनेस प्रॉफिट और सब कुछ। तो अगर यहाँ पर बात करें तो इसी चीज़ से रिलेटेड थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं विल सप्लाई COVID-19 वैक्सीन ओनली थ्रू गवर्नमेंट चैनल्स, ओके, और इसी चीज़ से रिलेटेड ये शेयर भागता हुआ हमें नज़र आया, उसके बाद डंप होता भी नज़र आया। यहाँ पर अगर हम बात करें अच्छा खासा मिड कैप कंपनी है, 25,000 करोड़ रुपीज़ का है मार्केट कैपिटल है, डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेजिंग नहीं है। अगर 10 साल की बात करें तो लगभग 15% के हिसाब से आपको पैसा देता हुआ नज़र आ रहा है, 27 का ROC है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो ईयरली बेसिस पे 2006-2007 यहाँ पर डेटा नहीं दे रखा, आई थिंक यहाँ पर इन्होंने कोई इशू नहीं है। बट अगर यहाँ पर देखते हैं रिजर्व्स कंपनी के पास, ये सारे ओल्ड डेटा यहाँ पर दे रखा है,
तो इससे रिलेटेड और कभी मैं वीडियो बनाऊंगा फाइजर से रिलेटेड डेटा फैच करके। बट अगर यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं तो लगभग 63.92% के प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, FII 1.89 है, DIS की बात करें 14% की, और पब्लिक के पास लगभग 20% की हिस्सेदारी नजर आती है, जिसमें से भी अगर 2% की हिस्सेदारी यहाँ पर अतुल लिमिटेड आपको पता ही है अच्छा खासा स्टॉक है, तो ओके तो इसने यहाँ पर 2% की हिस्सेदारी। तो फाइजर एक बेहतरीन शेयर है लॉन्ग टर्म की बैट के हिसाब से, तो इसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख सकते हैं। कोविड की वैक्सीन हो या ना मिले, उन्हें कुछ ऑर्डर या ना मिले, कोई इशू नहीं है। बट अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न को देखते हुए, कोविड से पहले भी काफ़ी बेहतरीन ये शेयर चलता रहा है। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी, इन ये पर्टिकुलर चार पांच शेयर थे जिससे रिलेटेड मेरे को आपको बताना था। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। कोई भी बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की हेल्प, खुद की स्टडी डेफिनेटली करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और भी लोगों को कनेक्ट करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।